नमस्कार दोस्तों, हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हम आज पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं राज्य के लिए भी और हमारे लिए भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और हम इनको तीन भागों में बांट के अध्ययन करेंगे, ठीक है। जिससे क्या है कि हमें ईजी हो जाएगा याद रखने में, और हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि यह गांधीवादी चरित्र से है ये सिद्धांत, या फिर उदार बौद्धिक चरित्र से है, या समाजवादी सिद्धांत है, ठीक है। तो ये तीनों भागों में हम बांट के इनका अध्ययन करेंगे और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान के अंदर भाग 4 के अंतर्गत दर्शाया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक ये संदर्भित हैं, ठीक है। और इन्हें हमारे हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था, और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि आयरलैंड में भी इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था, ओके। ये प्रकृति में गैर न्यायोचित होते हैं, अर्थात इनमें हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये न्यायालय में नहीं जा सकते, इसलिए ये गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। ये सिर्फ नैतिक रूप से बाध्य होते हैं, ध्यान रखेंगे हम कि इनकी नैतिक रूप से बाध्यता होती है, मॉरल रूप से बाध्य होते हैं, ये विधिक रूप से बाध्य नहीं होते। इनका उद्देश्य यही होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ओके। तो सबसे पहले हमने तीन भागों में इनको बांटा है, ठीक है। हालांकि संविधान में इस तरीके से बांटा नहीं गया है कि समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत, लेकिन ये हमने ही बांटा है इनको, ठीक है। हमारे संविधान में इस तरीके से इनको बांटा नहीं गया है, ओके। तो सबसे पहले हम समाजवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। समाजवादी सिद्धांत का जो उद्देश्य यही है, जो इनके तहत जितने भी नीति निर्देशक तत्व आएंगे उसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, ओके। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 38 देखेंगे, उसके तहत है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को समाप्त करना, ओके। और इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। देखो, अनुच्छेद 38 में ये कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए राज्य को, समझे ना आप, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं एवं अवसरों की असमानता को समाप्त रखना है, अर्थात सभी के लिए समान अवसर मुहैया कराने चाहिए, ये राज्य की, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, ओके। तो सबसे पहले हम उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 39 के अंतर्गत क्या है। अनुच्छेद 39 ए के अंतर है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए, ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि सभी जो नागरिक हैं हमारे देश के, तो उनके लिए जीविका उपार्जन के समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए, समान साधन उपलब्ध होने चाहिए, ओके। अनुच्छेद 39 बी के तहत है सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। देखेंगे कि सामूहिक हित के लिए, अर्थात सभी जनता के हित के लिए, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्वों द्वारा राज्य को डायरेक्टिव्स दिए गए, ओके। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना है कि किसी एक व्यक्ति के पास, किसी एक एक समुदाय के पास ये धन एवं उत्पादन, जो धन के उत्पादनों के साधन हैं वो कहीं एक व्यक्ति के पास नहीं चले जाएं, समझ रहे हैं आप। तो यह भी स्टेट की जिम्मेदारी होगी, राज्य की जिम्मेदारी होगी, ओके। उसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 39 डी के तहत पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आज भी हमारे पुरुषों और स्त्रियों में समान वेतन नहीं मिलता है एक ही कार्य के लिए, आप देखेंगे, है ना। तो यह हमारे नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है कि समान कार्य के लिए दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, फिर भी आज इस तरीके की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है और स्त्रियों को समान वेतन नहीं दिया जाता, ठीक है। तो कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति एवं बालकों की अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, इनकी अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, यह भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों में स्टेट को जिम्मेदारी दी गई है। बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध कराने हैं, इसलिए अनुच्छेद 39 एफ है इसके अंतर्गत, ओके। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार कई प्रकार के अधिनियम बनाती है एवं कई प्रकार के नियम, कार्यपालिका आदेश जारी करती है। जैसे कि देखो, बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर, आपको पता है कि बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर के लिए गवर्नमेंट कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके अंतर्गत भी जो भोजन की व्यवस्था होती है, मिड डे मील भोजन, ठीक है। तो उसमें यह
आप देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से ये इन नीति निर्देशक तत्वों को ये शामिल करते हैं, उसी के कारण इस प्रकार की स्कीम चलाते हैं। ओके, आप डायरेक्टली आप देखेंगे अपने आसपास जो प्रैक्टिकल रूप से, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करते भी हैं और कुछ कुछ की अवहेलना भी की जाती है। ओके, तो समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यह भी स्टेट की जिम्मेदारी होगी, 39 क के तहत है। ओके, काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार भी होगा, है ना, ये अनुच्छेद 41 के तहत है। नीति निर्देशक तत्वों में आपको पता होगा कि जब आप देखते हैं कि आपके आसपास कि एक बुढ़ापा पेंशन, बेकारी पेंशन, जैसे कि अगर कोई निःशक्त हो जाता है, अगर कोई विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग प्रकार की पेंशंस होती हैं, है ना, और बुढ़ापे में भी गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार की पेंशंस जो निकालती है वो इसी के तहत निकालती है, नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करती है, समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत है। आप समझ सकते हैं इस प्रकार की चीजें, है ना, तो आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से जल्दी याद आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उत्पन्न करना होगा गवर्नमेंट को, स्टेट को। आप देखते हैं प्रसूति सहायता का एग्जाम्पल जो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है, हमारी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना एक स्कीम चला रखी है, वो इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, शायद 6,000 रुपये आई थिंक इस प्रकार से कुछ है ना उनकी जो स्कीम है। और उसके बाद हम देखेंगे कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, श्रेष्ठ जीवन स्तर एवं सामाजिक सांस्कृतिक समान अवसर उपलब्ध कराएंगे, जो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत वर्णित है। ओके, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाएगी सरकार की, उद्योगों के प्रबंधन के लिए कर्मकार आगे आए, ठीक है, और उनका ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो, जो अनुच्छेद 43 ए के अंतर्गत वर्णित है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, आपको पता है ये PDS जो सिस्टम है, BPL को उचित दाम पे 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, है ना, गेहूँ चावल और अन्य जो सामान है तो वो उपलब्ध करा रही है, वो इसी प्रकार की योजनाएं हैं, नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के ही ये योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे कि हमारे देश के नागरिकों को उचित जीवन स्तर एवं अच्छी तरीके से पोषाहार उपलब्ध हो, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और अच्छी तरीके से वो हमारे देश के अंतर्गत अपना योगदान दें। ओके, उसके बाद हम देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत, है ना, तो हमने आप पहले समाजवादी सिद्धांत देखे थे, समाजवादी नीति निर्देशक तत्व देखे जिनके अंतर्गत 8 नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ओके, उसके बाद गांधीवादी सिद्धांत देखेंगे हम, गांधीवादी सिद्धांत गांधी जी का सपना था, ये गांधीवादी सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं ये, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्वों को गांधीवादी विचार से प्रभावित हैं ये नीति निर्देशक तत्व, उनके विचार धारा से मेल खाते हैं, इसलिए इनको हम गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायतों का गठन हो, उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करें, एक तरीके से स्वायत्तता प्रदान करें, जो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत वर्णित है। और आपको पता है कि इस तरीके के जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में और 74वां संविधान संशोधन, उसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन और उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए थे, समझ रहे हैं ना आप, तो ये हम अधिनियम जो गवर्नमेंट लागू करती है वो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के भी करते हैं। ओके, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत एवं सहकारी स्तर पर प्रोत्साहन दे रही है गवर्नमेंट, जो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत वर्णित है ना, सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन एवं स्वयं संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 43 बी के अंदर वर्णित है, जिसे हम 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। ओके, ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, उनको शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए उनको प्रोत्साहन देती है, सामाजिक सहायता प्रदान करती है, जैसे कि जिससे उनको शोषण ना हो, जिस प्रकार से आप देखते हैं कई प्रकार की स्कॉलरशिप्स प्रदान की जाती हैं अनुसूचित जाति जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों के ध्यान में रखती है, उस शैक्षणिक स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है उसको, है ना, तो इस प्रकार जो ये गांधी जी की विचार थे, गांधी जी के दर्शन थे, ठीक है, जो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत यहाँ पर वर्णित है। ओके, देन देखेंगे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा एवं ड्रग्स के औषधीय प्रयोजन के भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, जो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत वर्णित है। हम देखते हैं कि कई स्टेट्स ने, जो कई राज्य हैं भारत के अंतर्गत, उन्होंने यह मदिरा बैन कर दिया, जैसे कि गुजरात ने, बिहार ने, तो ये नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करते हुए
किया है। ओके, गाय बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक एवं उनकी नस्लों में सुधार के लिए प्रोत्साहन अनुच्छेद 48 के अंतर्गत वर्णित है। ये सभी गांधी जी के सपने थे, गांधी जी के विचार थे, इसलिए इनको गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत। ओके, उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दिया गया है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता उपलब्ध करानी होगी, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, स्टेट की जिम्मेदारी होगी। सभी बालकों को 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत वर्णित है, जो हमारे राज्य सरकार ने, हमारी जो भारत सरकार ने इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, 14 वर्ष तक के बच्चों की जब तक आयु पूरी ना करें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ओके, फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 48 के अंतर्गत दिया है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से करना, जिससे कि हमारी हमारी जो फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए और हम इंडिपेंडेंट हों। जिससे कि आपको पता है कि जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी हमारी फूड सिक्योरिटी को लेके, इसलिए ये कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 48A अनुच्छेद, जिसके अंदर पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों का संरक्षण रक्षा शामिल है। देखते हैं हम कि जो हमारी सरकार है कई प्रकार के इस प्रकार के जो नियम चलाती है जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान न हो एवं उनका संरक्षण किया जा सके, क्योंकि यह जो पर्यावरण है ये हमें हमारी विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है और हमें भी इसे विरासत के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित करके देना है, जिससे कि वो भी इनका समान रूप से लाभ उठा पाएं। ओके, देन हम देखेंगे कि अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व वाले जो स्मारक होते हैं, कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जो स्थान होते हैं, उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे स्टेट की जिम्मेदारी और हम सबकी जिम्मेदारी है। ओके, समझ रहे ना आप। और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यायपालिका, आपको पता है कि हमारे जो हमारा लोकतंत्र है उसके चार पाए हैं, जिसके अंदर न्यायपालिका कार्यपालिका भी एक अलग अलग पाए हैं, अगर उनको उनको अगर हम जोड़ देंगे तो, अगर क्योंकि ये दोनों ये चारों पाए एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं जिससे कि एक बैलेंस बना रहता है, समझ रहे ना आप। अगर हम न्यायपालिका और कार्यपालिका को इसीलिए हम अलग कर रखने की बात कर रहे हैं, पृथक रखने की बात कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर एक हो सकता है कि कुछ ऐसा तंत्र क्रिएट हो जाए, तानाशाही तंत्र क्रिएट हो जाए। आपको पता है भारत की न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। इस देश में अगर दो सम्माननीय निकाय हैं सबसे ज्यादा तो भारत की न्यायपालिका है, सबसे ज्यादा सम्मानित है, और निर्वाचन आयोग, इनको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। और ये अपनी जो इनका जो स्थायित्व है, इनकी स्थापना जिस उद्देश्य से की गई है, उनको बखूबी निभाने में इन्होंने पूरी पूरी अपनी योगदान दिया है अपना, है ना। ये कभी भी इस प्रकार से पीछे नहीं हटे, इन पर बहुत बहुत कम दोष लगे हैं, है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद 51 के तहत ये है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे उनकी मध्यस्थता के द्वारा निपटान करने की कोशिश करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधि होंगी, समझौते होंगे, उनका हम सम्मान करेंगे, है ना। तो ये वाली चीजें यहाँ देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करेंगे, है ना, ज्यादातर कोशिश करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद होंगे उन्हें मध्यस्थता द्वारा निपटाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। हमने नीति निदेशक तत्वों को बहुत डिटेल से जाना, है ना। इनको हम ध्यान से याद रख लेंगे कि उदार बौद्धिक तत्व कौन से हैं, दो चार बार पढ़ेंगे हमें सब समझ में आ जाएगा, और गांधीवादी तत्व कौन से हैं, गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं, और समाजवादी नीति निदेशक तत्व कौन से हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सा सिद्धांत है, ये नीति निदेशक तत्व गांधीवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं या समाजवादी विचारधारा से। ठीक है, इसलिए आप एक दो बार रिवाइज कर लें इसको तो अच्छी तरीके से ये याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक चीज और बाकी है, एक चीज यह बाकी है कि मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में जब टकराव की स्थिति होती है तो हमेशा मूल अधिकार ज्यादा उच्चतर होते हैं। जैसा कि हम देखेंगे चंपाकम दोई राजन जो मामला 1951 था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि जब नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों के बीच जब टकराव की स्थिति होगी तो मूल अधिकार ज्यादा प्रभावी होंगे। समझ रहे ना आप, जब टकराव की स्थिति आएगी तो मूल अधिकार प्रभावी होंगे, ना कि नीति निर्देशक तत्व। लेकिन मिनवा मिल्स मामला 1980 में भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि नीति निर्देशक तत्व हमेशा निम्नतर होंगे मूल अधिकारों की तुलना में। अर्थात वही निर्णय दोहराया गया कि नीति निदेशक तत्व हमेशा निम्नतर होंगे, मूल अधिकार उच्चतर होंगे। लेकिन अनुच्छेद 14
एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 बी एवं अनुच्छेद 39 सी में बताए गए नीति निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ माना जाएगा। अर्थात इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझेंगे जरूर, ये अपवाद है, एक्सेप्शन हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपको पता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको पता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संचरण है ना, निवास, वृत्ति, संघ। तो ये जो इस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसे अनुच्छेद 39 बी एवं अनुच्छेद 39 सी ये ज्यादा प्रभावी होंगे अगर इनकी तुलना की जाए, ठीक है, अगर इनमें टकराव की स्थिति आई जाए। जैसे कि अनुच्छेद 39 बी के अंतर्गत कहा गया सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, ठीक है, तो ये प्रभावी होंगे। और अनुच्छेद 39 सी के अंतर्गत दिखाया है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अनुच्छेद हमेशा अगर टकराव की स्थिति होगी मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में तो मूल अधिकार ही प्रभावी होंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा जो मूल अधिकार हैं उनकी तुलना अगर उनमें और इनमें हितों में टकराव हो अनुच्छेद 39 बी एवं अनुच्छेद 39 सी, तो अनुच्छेद 39 बी एवं अनुच्छेद 39 सी ज्यादा प्रभावी होंगे। अर्थात ये नीति निर्देशक तत्व प्रभावी होंगे इन मूल अधिकारों की तुलना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, तो मिनिमम्स मामले ने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारे संविधान की नींव नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के संतुलन के बीच में रखी गई है और फिर भी लेकिन टकराव की स्थिति होती है तो मूल अधिकार ही उच्चतर होंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच, रिवाइज करते रहें, थैंक यू।